देना, एक हम चीला खाएंगे, हम चीला खाएं। थैंक यू भैया, तो ये हमारा चीला आ गया। पाव भाजी दे देना भैया, आंफू यहाँ तो क्रिक अपनी पाव भाजी लो बच्चे, पाव भाजी दे रहे ना अंकल, आप पाव भाजी खाओ, लो चलो अंदर चल रहे हैं पापा जी के पास में, ठीक है ओके। चलिए 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 चले चलो, वो उधर बुलबुल के जी के पास टेबल पे बैठो। ओ बाप रे बाप, तो यहाँ पर शादी शादी हो रही है यहाँ पर। अल्फू मेरा बेधरा है चेयर पे, चेयर पे, और पाव भाजी खाएगा, मैं खाऊंगी चीला। ये चीला है, ये डोसा है, ये हमारे मतलब का सब बोलते रहते क्या घर पे रहते। यहाँ पर बुलबुल की प्लेट लग रही है एंड बुलबुल का फेवरेट पनीर। हाँ हाँ ले रही हूँ प्लेट, तू अपनी लगा ले फिर मैं अपनी लगाती हूँ। चलो और यहाँ पर क्या है, दाल मखनी और छोले। तू हट बाबू जी पास नहीं करोगे ये चीज ले जाए। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रही है। जाओ 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 जा। मैं सुना अफू आप ना गोल गोल घूमना, मैं आपका भी बन। हाँ जी गाइस, यहाँ पर हमारा खाना पीना हो गया है, अब वो आओ इधर में आओ। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें थोड़ी सी तबीयत अभी सही है ना। मैंने थोड़ा देर के ना वीडियो शूट बंद कर दिया था क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, इसलिए यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं। तो गाइज़ अब बारी है दुल्हन की बरी देखने की, तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे जोड़े हैं, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके चप्पलें हैं दुल्हन की, और दुल्हन के पर्स हैं, उसका मेकअप है, सब कुछ ब्रांडेड है। और उसके साथ साथ यहाँ पर दुल्हन को चढ़ा है डायमंड का नेकलेस, डायमंड की ईयरिंग्स, डायमंड का नेक पीस है, और डायमंड की रिंग है, और डायमंड की नोज पिन है, और कड़े हैं सोने के, और एक जोड़ी पाजेब हैं। तो ये चढ़ाया था मेरे मामू और मुमानी ने अपनी बहू पे, और बाकी सामान भी है बट वो मुँह दिखाई पे आया है तो वो शायद बाद में देखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह ज़रूर कि क्या क्या और चढ़ा। और फिर यहाँ पर आ जाती है मिठाइयाँ और बरी में ड्राई फ्रूट्स, तो ये सारी चीज़ें दुल्हन के लिए जाती हैं हमारे यहाँ से। जोड़े भी भाई मेरी मुमानी जो खुद इतना अच्छा पहनती है तो दुल्हन को भी माशाल्लाह अच्छा ही पहनाएंगे। सबको यही होता है कि अपनी बहू को अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा रखें। तो बस आमीन ज़रूर कह दीजिएगा, दुल्हन को पहनना नसीब करे और दुल्हे लड़के वाले दुल्हन को पहनाना नसीब करें, तो दोनों अच्छे से ही रहें तो बहुत ही अच्छी बात है। और माशाल्लाह से सूट भी एक से एक चढ़े हैं। अच्छा काउंट में मैंने नहीं गिने कि कितने कितने नहीं, वो मैं मामी जी से पूछ के चढ़ बताऊंगी, अभी तक तो हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला कि सब पूछने का कि क्या चढ़ा है क्या नहीं, बस जो दिख रहा है वो आप लोग देख लीजिए माशाल्लाह कह दीजिएगा। क्योंकि बहुत मेरे मामू जो है ना बहुत सिंपल सी जॉब करते हैं, उस पर उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी करी है, अच्छी एजुकेशन दी, उसके बाद बेटे की बहुत अच्छी शादी भी करी है। हाँ इसमें शिराज का भी कुछ योगदान है माशाल्लाह। बड़ी पूरी के साथ में यहाँ पर लोग भाग रहे बैठे अर्शी दिखी नहीं थी व्लॉग में, अब अर्शी भी दिख गई हैं, सही है। हाँ दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, ये बगल में है ना, अभी आई नहीं आई नहीं, अभी फोटोशूट ही चल रहा है दुल्हन का। अच्छा जी, तो मैंने अपना फुल लुक नहीं दिखाया था आपको कि मेरा ड्रेस कैसा है, तो मैंने अपना पाकिस्तानी सूट लिया था ये। और अच्छा मुझे इसमें आसिफ जी कहते हैं कि तुमने बहुत सिंपल सा सूट ले लिया है, कुछ हैवी पहनती। मुझे ना हैवी में बस ये रहता है जैसे लहंगा या गाउन लेके रखने वाली बात होती है, ड्रेसेस सूट क्या होता है कि हम पहन लेते हैं, तो मेरी कोशिश अब यही रहती है कि मैं ना ज़्यादा हैवी में जैसे लहंगा या उसमें नहीं जाती हूँ, कि मैं ये सूट इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मैं ये बाद में भी पहन सकती हूँ। तो बस अभी मेरी तबीयत ठीक थी
थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो शूट करवा लिया था और ये करा है मेरे हस्बैंड ने। मेहंदी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे। अपनी मेहंदी बहुत प्यारी लगी, डिज़ाइन बहुत अच्छा था, मैंने नेट से ही देख के निकाला था तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो आसिफ जी को भी अच्छा लगा कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड के साथ फ़ोटो शूट हो रहा है तो वीडियो को बना रही हूँ। अच्छा, किसी ने मेरे हस्बैंड को बोला कि आपके हस्बैंड पूरे ख़ानदान में सबसे अच्छे हैंडसम से हैं, तो आसिफ जी के तो बल्ले बल्ले हो गए। बड़ा मज़ा आया उन्हें ये सुन के, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत खुश हो गए। थैंक यू। मैं ना यहाँ पर अभी बैठी हुई हूँ और बस थोड़ा सा थक गए हैं, काफ़ी देर से फरार मैं इधर ही बाज मम्मी का वीडियो शूट किया वॉशरूम। यार हमें फोटो नहीं खींचना, वीडियो शूट करना है, वही चल रही है। सामने घुमा दीजिए आप जरा एक बार फैमिली को दिखा दीजिए। सबको दिखा दो एक बार। नहीं आप क्यूट लग रही हो माजे। यहाँ पे रानी और शीना साथ में बैठ गई है, ठीक है, फैमिली टेबल लगा है, खाना खाने जा रही है। हाँ जी, वीडियो शूट किया, ठीक है। मैं ना तुम्हारा फोन कर चाहिए फोटो खींच लेना। देखिए मेरे मामू जी तैयार होते हुए वीडियो के लिए और दूसरे वाले भी। ठीक है मामू जी, ठीक है, और एक्शन नहीं कीजिए। मामू जी इधर देखो, नहीं आप नहीं देखो, थम्स अप पी रहे हो आप। ये खाना लगा रहे हो, खाना लगा दो यार, ये तो खा चुके हो। हाँ भाई लगा दो, ये लो। तो गाइज़ यहाँ पर मेन टेबल पे बैठ के घर वाले खाना खा रहे हैं, हालांकि हम लोगों ने खाना खा लिया था, बट ये कि एक वो होता है कि सबको अच्छा जेस्चर दिया जाता है। तो यहाँ पर खाने में था निहारी थी, कबाब थे और चिकन दो प्याज़ा था और क्या था, चिकन फ्राई था, पासवान था और बिरयानी थी। ये सब तो नॉन वेज में था और वेज में आप लोग देख ही चुके हैं, वहाँ पर हम लोगों ने खा लिया था। तो बस यहाँ पर एक थोड़ा सा गेट टुगेदर हो रहा था और यहाँ मेन था दूल्हा दुल्हन, दूल्हा खाना खा रहा था और दूल्हे के फ्रेंड्स सारे भाई और मेरे जितने भी बड़े थे ना, सब जने बैठ के अपना एंजॉय कर रहे थे खाना। ये बड़ी सी एक उन्होंने लास्ट टेबल लगाई थी, तो जो कि बड़ा मज़ा आया। वैसे मुझे बड़ा मन करता है इस टेबल पे बैठ के खाना खाने का, अच्छा लगता है ना, किस किस को ऐसे मेन टेबल पे बैठ के खाना खाना अच्छा लगता है। मामू जी और मामू जी जो हैं, ये बड़े मामू ये छोटे मामू आपस में डिस्कस कर रहे हैं किसने ज़्यादा बॉम्ब खाई है। वो पैदल जाएंगे। मामू जी खाना खा लिया आपने? खाना खाया? अच्छा लगा? अच्छा लगा? मैं पूछ रही हूँ अच्छा लगा, वीडियो शूट हो रहा है, मैं कह रही अच्छा लगा। चलिए चलिए। तुम
बदमाशी नहीं है, सही बात है सर। मैं तुम्हारा दमाद आदमी हूँ, बाद में इसी के जरिए से बोला दमाद के जरिए तो ये है। तुम्हारा भी टिकट इधर उधर नहीं नहीं देखो इधर है मेरा टिकट, मेरा तो देखो मेरे वोट होते वो अकेले ही, वो अकेले ही 100 के बराबर है, वो अकेले ही 100 के बराबर है उनके। अच्छे से जाने जाओ, आगरा जंक्शन जाएगी ये बस, हाथरस जंक्शन है। अच्छा अजी सुन नहीं रहे, क्यों वोट इकट्ठा कर रहे हो आप, एक ही 100 के बराबर हो। ठीक है मम्मी। तो गाइज यहाँ पर चल रहा था बहुत सारा फन, तो नानू के साथ कर रहे थे हम मस्ती मजाक आसिफ जी के, बस क्या ही बताएं। वो होता है ना जब शादियाँ होती हैं तो इस तरीके का बैठने को कमी मिलता है, तो शादियों फंक्शन हो तब बैठने को मिलता है। अच्छा मामू ने लगवाई थी यहाँ फार्म हाउस के लिए 2 बस, जिसमें एक लेडीज़ की थी एक जेंट्स की थी और कुछ गाड़ियाँ थी। तो मामू ये कहते कि जिन्हें बस में जाना है वो चले जाओ, फिर उसके बाद गाड़ियों वाले रह जाएंगे। तो हम लोग तो अपनी कार से गए थे, तो हम लोग रुक गए थे कि चलो हम लोग रुकते हैं और फिर उसके बाद चले जाएंगे, शिराज की दुल्हन लेके ही जाएंगे, हमारा यही सीन था। तो बस हम लोग विदाई से सिर्फ 10 मिनट पहले आए थे, क्योंकि बुलबुल की जो बेटी है ना वो बहुत परेशान करी थी, काफ़ी क्रैंकी हो गई थी वो। यहाँ पर अब दुल्हन की एंट्री हो रही है, दूल्हा दुल्हन की होगी अब सलामी और उसके बाद होगी विदाई। तो विदाई का शूट नहीं हो पाया क्योंकि विदाई पे नहीं है। हाँ दुल्हन की एंट्री हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वाला व्लॉग जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया है, आई थिंक 16 मिनट का कुछ ऐसी हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर अब दूल्हे की दुल्हन की एंट्री होगी और फिर दूल्हा दुल्हन को नेक दुआओं के साथ कुछ गिफ्ट दिए जाए। तो बस अब यहाँ पर हम जो है ना कर रहे हैं, दुल्हन की विदाई होने वाली है और हम लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर दुल्हन की हो रही है एंट्री और यहाँ पर सबको बिठाया जा रहा है घर वालों को कि पूरी फैमिली के साथ के। अच्छा ये सब मामू के लिए, भाभी के लिए भी सरप्राइज़ था, ज़ेबा के लिए भी था, उनको नहीं पता था कि उनको भी गिफ्ट्स मिलेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि सलामी होती तो दूल्हे को ही मिलते हैं गिफ्ट्स या जो भी कैश वगैरह होता है, ऐसे घर वालों को कम बिठाया जाता है। तो यहाँ पर ज़ेबा को, मामी जी को जो मिला है, ज़ेबा को मिला है एक पेंडेंट गोल्ड का विद माला के साथ, और भाभी जी को एक नेक पीस मिला है। तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि मामू मुमानी ने कोई भी ऐसी, मतलब होता है ना कि दुल्हन के घर वालों पे कोई प्रेशर नहीं डाला था कि आप दहेज दीजिए या ऐसा कुछ भी करिए। तो ये जो भी, और उन लोगों ने कोई, मामू ने एक रुपया भी नहीं मांगा था, वरना हमारे यहाँ क्या होता है सगाई होती है, लगन सगाई होती है तो लड़के के ऊपर कैश आता है, सामान आता है, गोल्ड की चीज़ें आती है, बहुत कुछ आता है कि जब सगाई चढ़ती है। आपने अन्नू का भी देखा होगा जैसे हम लोग करते हैं, बट मामू ने
शिराज की शादी पे ये सब कुछ भी नहीं करा था कि नहीं सिंपल हम निकाह ही करेंगे। आज जो भी खर्चा करा मामू की, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि इस तरफ से किया है, डीजे लगाया, जो भी करा वो बच्चों की खुशी के लिए अपनी तरफ में करा था। लड़की वालों ने बोला था कि हाँ सरे से बारात लाना है, जो भी है, तो लड़की वालों के घर पर नॉर्मल सिंपल बारात गई थी, सिंपल तरीके से निकाह हुआ था, कोई म्यूज़िक सिस्टम वगैरह नहीं था क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं था। उसके बाद मामू ने कहा कि आप बस ये जो कपड़े हैं, मतलब दुल्हन के दोनों साइड के कपड़े मामू ने और मुमानी ने ही करे थे, उन्होंने कोई भी दुल्हन का, ये होता है ना कि आप दो जोड़े में बेटी विदा कर देना, नहीं, दोनों जोड़े ही मामू ने खुद से ही करे थे। तो इस तरीके के अगर घर वाले होना तो मज़ा आ जाता है देख के कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो ये है ज़ेबा का गिफ्ट जो कि लड़की वालों ने दिया है, और ये अभी आपको दिखेगा मामी जी का। लिटरली जब मामी को मिला धनाई गिफ्ट वो तो रोने ही लगी थी क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था उनको ये सब मिलेगा। तो ये मामी जी का नेक पीस दिया है उन्होंने, और ज़ेबा एक ही नंद है तो ज़ेबा को भी मिला है। अच्छा, मामू जी हैं उनको चांदी की अंगूठी मिलेगी, अरबाज को भी मिलेगी। शिराज को क्या मिला वो मैं नहीं देख पाई, शिराज को क्या दिया था वो मुझे नहीं पता, बट जो भी था अभी मामू मुमानी सब बहुत खुश हैं। एक सरप्राइज़ था अच्छा सा। मामू की सलामी हुई, मामू जी को ना अंगूठी मिली चांदी की, तो वो मामू जी मेरे सर पे आ के दिखा रहे हैं, खुश हो खुश है।